अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं किडनी हिल और यहाँ पर हम आए हैं ये फॉरेस्ट देखने के लिए और ये जंगल देखने के लिए जो यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर तकरीबन इन्होंने बताया कोई दर्जनों किस्म के मुख्तलिफ इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं। और हैरत की बात ये कि आप सोच रहे होंगे ये कहीं वो शक्करपुड़ियाँ हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद है, तो ये बिल्कुल कराची का तकरीबन समझे सेंटर है और कराची की सबसे हाईएस्ट प्लेस है ना। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगा हुआ है पाम के दरख्त हैं कुछ, ये खजूरों के दरख्त हैं, ये गुलमोहर और इसके साथ कोई दूसरा लगा हुआ है, बोगनवेला है और ये सारे मुख्तलिफ किस्म के जी बहुत बड़े एरिए पे इन्होंने ये सारा, ये पूरा इनका ट्रैक है और वो सामने वो पहाड़ तक जा रहा है। और यहाँ पर भी इंतहा खूबसूरत है, बारिश के बाद भी इंतहा खूबसूरत यहाँ के मनाजिर हैं और ऐसी हरियाली है कि आपको बस इस्लामाबाद या पिंडी या पंजाब याद आ जाएगा। इसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। सुबह तकरीबन 7 बजे से ये खुल जाता है जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और हाइकिंग के लिए, लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद रहते हैं और बिल्कुल एक कुदरती मंज़र होता है। बेटा इधर आइए, बेटा इधर आइए, मुस्तफ़ा इधर आइए, शाबाश। और ये देखें कितने ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने इस बहुत बड़े एरिया पे इन्होंने प्लांटेशन करी है यहाँ पर। और ये कराची के मुख्तलिफ NGOs हैं, इदारे हैं और सिटी गवर्नमेंट है और मुख्तलिफ जो तंजीमें, उन्होंने यहाँ पर दुआ फाउंडेशन ने भी यहाँ पर बहुत बड़ी प्लांटेशन करी है इन लोगों को, खजूर के बहुत सारे दरख्त जो हैं वो गिफ्ट दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये बोगनवेला बेइंतहा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, और मुख्तलिफ कलर के यहाँ पर इनके स्पीशीज़ लगाए हुए हैं, वाइट भी हैं, रेड भी हैं, ऑरेंज भी हैं, पिंक भी हैं, और पूरा एरिया ये इंतहाई खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है, इंतहाई शानदार। और बच्चों के साथ आएँ आप यहाँ पर, आपको बहुत प्यारे मनाजिर देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।